अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने मुझसे ये बात छुपाई सारांश जी, एक ड्रग एडिक्ट थे। ये रिपोर्ट्स फेक है मैत्री, मेरे भाई को बदनाम करने की, मेरे परिवार को परेशान करने की किसी की खटिया साजिश है। तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? जानते हो मैत्री कहां से आ रही है? तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाकर सुलाकर आ रही है। बहुत बड़ा फर्क है तुम्हारी और उसकी फितरत में। मैत्री की फितरत में दोस्ती निभाना है और तुम्हारी फितरत में सिर्फ धोखा। शायद भगवान ने तुम्हें बाप इसीलिए बनाया है ताकि तुम वो दर्द महसूस कर सको जो तुमने मैत्री की जिंदगी खराब करके इसको और हमें दिया है। ये तुम्हारा भी गुनाहगार है मैत्री, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं इसे हिसाब करने के लिए। अपनी खामोशी बांटने ने तुम्हारा जवाब सुनने आई हूं आशीष। कोई जवाब नहीं मेरे पास। कोई आंखों के बहुत करीब होता है ना तो साफ दिखना बंद हो जाता। सारांश मेरे बहुत करीब था इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम कहती रही बार बार लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ मत करना मैत्री, माफी गलती की होती है और मैंने पाप किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैत्री कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की अपने ड्रगे भाई सारांश से तुम्हारी शादी करवाई। गलती मेरी थी, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हुई। गलती मेरी थी कि तुम्हारी दोस्त कोमा में गई। गलती मेरी थी कि मुझे दिखाई नहीं, सारांश के ड्रग्स के बारे में मुझे पता ही नहीं चला। ये गलती मेरी थी गलती, मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। आशीष तुम अब भी यही कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं था सारांश जी एक ड्रग एडिक्ट थे? एक झूठ गलती होती है आशीष, और झूठ पे झूठ पाप, और झूठ पे झूठ फितरत बन जाती है। अब तो सच बोलो आशीष। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।